Everyone, restaurant style. बिग वेज की रेसिपी तो छोटी छोटी गोभी ले लेना ले टेस्ट बहुत अच्छा होता है और छोटा छोटे काट भी लेना इस तरीके से कट करके आपको रख लेना है फिर मैंने गाजर ली है उसको छील लिया है और मेरी तरह तरह अगर आप स्ट्रगल करके काटना चाहते हो तो भी कर सकते हो आप चाहो तो चॉपर भी ले सकते हो इस टाइम मेरा दिमाग कहाँ पे था मुझे खुद नहीं पता <laughs> फिर उसके बाद फाइनली बीन्स को वॉश करके वो काट रही हूँ काश सच में ना जिंदगी में अगर ऐसा हो जाता ना कि ऊपर वाले ने एक फास्ट फॉरवर्ड का बटन दिया होता ना जैसे ये वीडियो में सारे काम हो रहे हैं ना तो मिनटों में सारे काम ही हो जाने हो जाने थे जिंदगी सेट जानी थी और हाँ, एक प्लस पॉइंट ये भी होता ना कि कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते वो भी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते फिलहाल वो तो कर नहीं सकते तो सब्जी पे कंसंट्रेट करते हैं बनाने का तो मैंने भर के रिफाइंड और डाला है क्योंकि हम ये सारी सब्जियों को फ्राई करने वाले हैं गोभी को अच्छे से डाल के आपको फ्राई कर लेना है तब तक कि जब तक कि हल्का सा कलर नहीं चेंज हो जाता और ये अच्छे से हाफ कुक नहीं हो जाते फिर आलू को भी यही करना है जब तक कि इसमें एक गोल्डन लेयर नहीं आ जाती तब तक ये कुक करना है फिर उसके बाद आप उसको निकाल लेना है मटर को आप चाहो तो बॉईल भी कर सकते हो बट हम मटर के साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे जब सब फ्राई कर रहे हैं तो इसको भी फ्राई करेंगे और इसने ना बवाल मचा दिया इतना चिटक रहा था ना कि मैं फट से निकाला मैंने इसको कि ये गॉड जला देगा मुझे फिर मैंने बीन्स डाली है बीन्स को भी फाइन चॉप करके आपको फ्राई कर लेना है उसके बाद गाजर डाल दिया सब अलग अलग क्यों करना ये जब दोनों साथ में ही जाएंगे तो मैंने साथ में ही फ्राई कर लिया है उसके बाद इसको भी मैं निकालते निकालते जब मैं थक गई देना तो लास्ट में मैंने चाय छन्नी उठाई और उससे निकालना शुरू कर दिया आप चाहो तो ये कर सकते हो बाकी आपकी, आपकी मर्जी इतनी जल्दी ये काम हो गया था ना मैं घंटों से मतलब स्ट्रगल कर रही थी ये सारे मसाले लेने आपको दोबारा से कढ़ाई लेनी है इसमें सिर्फ टू से थ्री स्पून मैंने छोटे छोटे वाले रिफाइंड ऑयल डाला है आप मस्टर्ड भी ले सकते हो फिर उसके बाद फाइन चॉप की हुई मैंने प्याज रखी हुई थी वो डाली है इसमें फिर उसके बाद ना मैंने डाला है इसमें जो मसाले होते हैं ना तड़के वाले जिसमें हो गई कलौंजी अजवाइन जीरा सौफ मेथी ये थोड़ा सा ही डालना है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहो तो ये सारा मिक्स करके एक डब्बे में भर के रख लो आगे काम आने वाला है फिर मैं डालूंगी हल्दी हल्दी से कलर अच्छा आता है ऑफकोर्स सब्जियों में हल्दी और खानों में हल्दी खानी चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक होती है अच्छे से इसे कुक कर लेना है जब तक कि इसकी इसकी जो हल्दी वाली फ्रेग्रेंस है वो चली ना जाए फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया हाफ स्पून डालेंगे जिस हिसाब से आपकी सब्जी हो उस हिसाब से फिर इसमें हम सॉल्ट कर देंगे और मुझे पहले कम लगा फिर मैंने पूरा ही डाल दिया अच्छे से कुक करना है आपको फिर लास्ट में गैस ऑफ करके आपको लाल मिर्च डालनी है वरना खास खास के बुरा हाल हो जाना है अलग अच्छे से कुक करना है जब ये सब सारे मसाले मिक्स हो जाने हैं ना फिर आपको रंग बिरंगी सब्जी ऐड कर देनी इतनी अच्छी लग रही थी देखने में, में मेरा मन ही नहीं करा था डालने का अच्छे से डाल देना आप चाहो तो इसमें पनीर भी डाल सकते हो भैया मेरे घर में था नहीं तो मैंने डाला नहीं फिर उसके बाद सौफ और जीरा भून के पीस के मैंने रख लिया था तो वो ऐड किया है थोड़ा सा फिर मेन जो इसका मसाला है वो है सब्जी मसाला वो दो पैकेट मैंने डाले थे आई थिंक छोटे वाले दस दस वाले आप चाहो तो अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना अच्छे से मिक्स दे देना अभी ये फुल कुक नहीं हुई है तो हम इसे गैस पे धीमी आँच पे रख के कुक करेंगे आप चाहो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना अगर आपको जलने का डर है तो धीमी आँच पे कुक कर लेना फिर रेडी है हमारी बढ़िया सी मिक्स वेज सब्जी वीडियो अच्छी लगी